2019 लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं की जुबान लगातार फिसलने लगी है और जाने अनजाने वो ऐसा कुछ कह जाते हैं जिसे बवाल होना तो लाजमी ही है, पर उनके बिगड़े बोल उनकी पार्टी के लिए भी भारी पड़ सकते हैं। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने एक रैली में कांग्रेस के खिलाफ अपने सहयोगी बीजेपी की तारीफ में कुछ ऐसा बोल दिया कि वो उनके ही गले की फांस बन गया। ताज़ा मामला है शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की जबान फिसलने का। दरअसल अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल जोश जोश में ये कह गए कि हिंदुस्तान रहे न रहे, अकाली दल बीजेपी के साथ रहेगा। यानी पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल के लिए बीजेपी देश से पहले आती है। ये कहना कि हिंदुस्तान रहे या ना रहे, बीजेपी के हिसाब से देशद्रोह की श्रेणी में आता है। अब विरोधियों ने पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल समेत बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है, लेकिन अकाली दल और बीजेपी से जवाब देते नहीं बन रहा है। 18 मार्च को सुखबीर सिंह बादल और पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला ने जालंधर में अकाली दल और बीजेपी के झंडे तले पंजाब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ बाजो ढोल खोलो पोल रैली की थी, मगर कांग्रेस की पोल खोलने के चक्कर में बादल ने अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर ली है। बात बात पर विरोधियों को देशद्रोह और पाकिस्तान भेजने वाले बीजेपी के नेता और मंत्री सुखबीर सिंह बादल के बयान पर चुप्पी साधे बैठे हैं। वो इस मामले पर बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनको इस मामले पर तो जवाब देना ही होगा। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।